जय श्री सत्यनारायण भगवान। श्री सत्यनारायण भगवान जी की व्रत कथा। सर्वप्रथम सामग्री। सत्यनारायण भगवान का व्रत करने वाले श्रद्धालु व्रत करने से पूर्व कुछ आवश्यक वस्तुओं को एकत्रित कर लें, जो कि इस प्रकार से हैं: केले के खंभे, पंचपल्व, कलश, पंचरत्न, चावल, कपूर, धूप, पुष्पों की माला, श्रीफल, ऋतुफल, अंगवस्त्र, नैवेद्य, कलावा, आम के पत्ते, यज्ञोपवीत वस्त्र, गुलाब के फूल, दीप, तुलसी दल, पान, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, केसर, वंदनवार और चौकी। पूजन विधि। व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायंकाल के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठ जाए। श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश, गौरी, विष्णु आदि सभी देवताओं को ध्यान करके पूजन करे और संकल्प करे कि मैं सदैव श्री सत्यनारायण स्वामी जी का पूजन तथा कथा श्रवण करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर सत्यनारायण का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि अर्पित कर स्तुति करें कि हे प्रभु, हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सभी सामग्री आपको अर्पण की है, इन्हें स्वीकार कीजिए, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। इसके बाद श्री सत्यनारायण जी की कथा पढ़ें अथवा सुनें। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराण वेता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या से वंचित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा हमारी सभी मनोकामनाएँ भी पूरी हो जाएँ। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सभी शास्त्रों को जानने वाले मुनियों में श्रेष्ठ श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है, अब मैं उस महान व्रत के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने श्री विष्णु भगवान जी से पूछा था और लक्ष्मीपति जगदीश्वर ने नारद जी को बताया था। यह कथा ध्यानपूर्वक सुने। मुनिनाथ, सुनो यह सत्य कथा, सब काल ही होई महासुखदायी, भवताप हरय मनोरथ पूर्ण करें, सुख संपत्ति की अधिकाई, अति संकट में दुख दूर करें, सब ठोर कठोर में होत सहाई, भगवान महात्तम है इसमें, अपना कली में फल और जनाई। एक बार नारद जी जन साधारण के कल्याण की इच्छा से सभी लोगों की यात्रा करते हुए भूलोक पहुँचे। वहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने मन में विचार किया कि किस प्रकार से प्राणियों के इन कष्टों का निवारण होगा। ऐसा सोचकर नारद विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और चार भुजाओं वाले देवों में श्रेष्ठ भगवान नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे तथा गले में वरमाला पहने हुए थे, उन्हें देखकर नारद मुनि जी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति के स्वामी हैं, मन और वाणी भी आपको नहीं छू सकती। प्रभु, आपका कोई आदि मध्य अंत नहीं है, आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है और आपका किस कार्य के लिए यहाँ पे आगमन हुआ है, निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि जी ने कहा कि हे प्रभु, भूलोक में सब मनुष्य जिन्होंने अनेक योनियों में जन्म लिए हैं अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो कृपा करके मुझे बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है जो आज मैं प्रेमवश तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोगता है और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री विष्णु भगवान जी के वचन को सुनकर नारद मुनि जी ने कहा, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है तथा उसका विधान क्या है,
इससे पहले किसने इस व्रत को किया है और किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, कृपा करके मुझे विस्तार से बताएं। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, दुख शोक दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधव सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य इस व्रत को करेंगे उनका मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा। विशेष रूप से कलिकाल में मृत्युलोक में यही एक लघु उपाय है जिससे अल्प समय और धन में महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका वर्णन करता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निधन ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे ब्राह्मण, तुम नित्य ही पृथ्वी पर दुखी होकर क्यों घूमते रहते हो? हे ब्राह्मण, मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा कि भगवान, मैं एक निधन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान जी ने कहा कि हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इस व्रत के करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। व्रत करने का निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात्रि को दरिद्र ब्राह्मण को नींद ही नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, अतः उसने पूजा का सब सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधव के साथ भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। इसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूट कर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। यह कहकर सूत जी उपस्थित मुनियों से बोले, इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान जी का कहा हुआ यह व्रत मैंने आपसे कहा। हे विप्रो, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, कृपा मुझे बताएं। ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, इस संसार में उस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रख रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखे लकड़ियों के गट्ठर को बाहर रख दिया और विप्र के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा तो वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र को नमस्कार किया और पूछा कि हे विप्र, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है, इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उसी से भगवान श्री सत्यनारायण जी का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों के गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे उस नगर की तरफ गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का चुगना दाम प्राप्त हुआ। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर केले, शहद, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण आदि सत्यनारायण
व्रत की सभी सामग्री लेकर घर आया। फिर उसने अपने सगे संबंधियों को बुलाकर विधि विधान के अनुसार भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि का सुख भोग कर मरने के उपरांत वैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री व्रत सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्णम। तृतीय अध्याय। श्री सूत जी ने कहा कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी स्त्री थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर रोककर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते देखकर उसने विनयपूर्वक पूछा, हे राजन, भक्ति चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा है, कृपा मुझे भी बताएं। महाराज उल्कामुख ने कहा कि हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु वैश्य ने कहा कि हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान बताएं, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है इससे निश्चय ही मुझे भी संतान प्राप्त हो जाएगी। राजा ने साधु वैश्य को व्रत के सभी विधान अच्छी तरह समझा दिए। राजा से सब विधान सुनकर वह वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापार के कार्य से निवृत्त हो वह वैश्य प्रसन्नतापूर्वक अपने घर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत को बताया और उसने यह निश्चय किया कि जब मुझे संतान प्राप्त हो जाएगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती प्रसन्न हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान जी की कृपा से गर्भवती होगी। दसवें माह में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने अत्यंत आग्रहपूर्वक अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का प्रण किया था अब आप उसे पूर्ण कीजिए। साधु ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने चला गया। कलावती अब धीरे धीरे अपने पिता के यहाँ रहते हुए बड़ी होने लगी। लौटने पर साधु ने जब नगर की लड़कियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता हुई। उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुँचा और ढूंढने पर कलावती के लिए एक सुयोग्यवान एक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु नामक वैश्य बहुत खुश हुआ और उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत करना भूल गया। इस पर सत्यनारायण भगवान जी क्रोधित हो गए और उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वह वैश्य अपने जमाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतन सारपुर नगर में गया। दोनों ससुर और जमाता उस नगर के राजा चंद्रकेतु से अनुमति लेकर वहाँ व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे वेग से आता देखकर चोर घबरा गए और उन्होंने उस धन को उस नाव में रख दिया जहाँ पर वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे और खुद भाग गए। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो ससुर और जमाता दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले कि हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, इनके लिए हमें आज्ञा दें। तब राजा ने उनकी बात सुने ही बिना उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन भी छीन लिया गया। भगवान श्री सत्यनारायण के शाप के कारण साधु की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत होते हुए देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी शुरू कर दी। उसने परिवार और बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन पूर्ण किया और व्रत रखा और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारा अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु में को रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिन दो वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने छीना है उसे लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारे धन राज्य पुत्र आदि सबको नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया
और सैनिकों को आज्ञा दी कि उन दोनों वणिक पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभाव, तुम्हें दुर्भाग्यवश ऐसे कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसे कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण दिए और उनका जितना धन लिया था उसे दुगना लुटाकर उनको आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य प्रसन्नतापूर्वक अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय संपूर्णम। चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उसके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसे कहकर वह वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठा देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक करने लगा। तब उसके जमाते ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जमाता के वचन सुनकर वह साधु नामक वैश्य दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से प्रणाम करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर अत्यंत शोकग्रस्त हो वह वैश्य रोने लगा। तब दंडी के रूप में आए भगवान श्री सत्यनारायण जी ने कहा, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब साधु नामक उस वैश्य ने कहा कि हे प्रभु, हे भगवान, आपके माया से तो ब्रह्मादि देवता भी आपके स्वरूप को नहीं जान पाते प्रभु, भला मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? मेरी रक्षा करो प्रभु और पहले के समान मेरी नौका को धन से पूर्ण कर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंत ध्यान हो गए। तब ससुर और जमाता दोनों ने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने एक दूत को अपने घर भेजकर अपने आने की सूचना भिजवाई। दूत ने साधु वैश्य नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी से उन दोनों के आने की सूचना दे दी। लीलावती और उसकी पत्नी कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु ने बड़े हर्ष के साथ पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू कार्य पूर्ण कर आ जाना। परंतु कलावती पूजन और प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोती हुई देखकर साधु वैश्य बहुत दुखी हुआ और बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे प्रयास से जो भी भूले उसे क्षमा करें। उसके दीन वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं बंधु बांधव सहित श्री सत्यदेव का विधि विधान पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्णम। पंचम अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा कि हे ऋषियों, मैं एक और कथा